हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बेसिक डिटेल्स बताने वाला हूँ एलएलपी के बारे में। तो दोस्तों, कैसे होता है पता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब एलएलपी बनाई जाती है, जिसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि किसी कारण की वजह से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है या जिसको डेजिग्नेटेड पार्टनर कहा जा सकता है, तो वो रिज़ाइन करना चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं कोई उनके रीज़न की वजह से। तो उनको अब कैसे वो निकल सकते हैं और क्या पेपर वर्क लगता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप एलएलपी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो या एलएलपी डीड में कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हो, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरा नाम है समीर और मेरा नंबर है 9029093494। जी हाँ, 9029093494। तो आइए दोस्तों, हम अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है जो रेजिग्नेशन के लिए देना पड़ता है डेजिग्नेटेड पार्टनर को, उसको बोला जाता है एलएलपी 13। एलएलपी 13 एक तरीके से एक रेजिग्नेशन फॉर्म है या रेजिग्नेशन लेटर है, जो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जो डेजिग्नेटेड पार्टनर को साइन करके देना है। इसके अलावा अगर आप एक सिंपल रेजिग्नेशन लेटर भी देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, लेकिन एलएलपी 13 तो देना ज़रूरी है। अब एलएलपी 13 के अलावा एक मॉडिफाइड या सप्लीमेंट्री डीड ऑफ पार्टनरशिप बनेगी, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और रिजाइनिंग पार्टनर दोनों साइन करेंगे। हो सकता है कि एग्जिस्टिंग 3 हो, 4 हो, जो भी हो, और जो रिजाइनिंग पार्टनर है। एक और चीज़ जो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा या उनके मन में होगा कि क्या एक ही डीड के अंदर दो, एक से ज़्यादा लोग रिज़ाइन कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है देखना कि जो भी रिज़ाइन कर रहे हैं तो एट द एंड कम से कम दो लोग बच रहे हैं पार्टनरशिप में, दो से कम नहीं होने चाहिए। तो एक ही डीड में एक से ज़्यादा लोग रिज़ाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। अब कैसा होता है पता है कि जब डीड मॉडिफाइड होती है, जैसे एडिशन हो या लेस हो पार्टनर्स का, तो एलएलपी के दो फॉर्म्स ऑनलाइन भरे जाएंगे, ओके, जो सबमिट होंगे। एक होगा एलएलपी 3, जिसको ऑनलाइन भरा जाएगा, जो भरा जाता है मॉडिफिकेशन इन पार्टनरशिप डीड, और दूसरा होता है एलएलपी 4, जिसमें ये स्पेसिफाई किया जाएगा कि क्या मॉडिफिकेशन हुआ। तो LLP 3 और LLP 4 भरा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको LLP से रिलेटेड कुछ काम है, रजिस्ट्रेशन वर्क है, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है 9029093494। मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।